कांग्रेस और टीएमसी के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दोनों के बीच का झगड़ा तब निचले स्तर पर पहुंच गया जब टीएमसी ने राहुल गांधी पर तीखे हमले किए और पूछ डाला, क्या अमेठी की हार को ट्विटर ट्रेंड के सहारे धो सकते हो। असल में टीएमसी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्वीट पॉलिटिक्स पर करारा हमला किया। भाजपा के खिलाफ विपक्षी मोर्चे का नेतृत्व करने की इच्छा रखने वाले दोनों दलों के बीच ट्विटर पर उस समय वाक युद्ध शुरू हो गया जब प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए एक संदेश में कहा कि जो लोग लखीमपुर खीरी की घटना के बाद सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के त्वरित पुनरुद्धार की संभावना तलाश रहे हैं, वे बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। किशोर ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, लखीमपुर खीरी की घटना के आधार पर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के त्वरित सहज पुनरुद्धार की संभावना तलाश कर रहे लोग बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से कांग्रेस की गहरी समस्याओं और संरचनात्मक कमजोरी का कोई त्वरित समाधान नहीं है। किशोर ने विधानसभा चुनाव में टीएमसी के लिए काम किया था और पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ उनके बहुत अच्छे संबंध भी हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा कि राष्ट्रीय विकल्प बनने के लिए गहरे और ठोस प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि अपनी सीट भी नहीं जीत पाने वाले आईएनसी पदाधिकारियों को अपने पाले में ले जाकर एक राष्ट्रीय विकल्प की तलाश करने वाले लोग गलत फहमी में हैं। एक राष्ट्रीय विकल्प बनने के लिए गहरी जड़ें, ठोस प्रयासों की आवश्यकता होती है और दुर्भाग्य से इसका कोई त्वरित समाधान नहीं है। बघेल जाहिर तौर पर सुष्मिता देव और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिन्हो फेलेरियो को तृणमूल कांग्रेस में शामिल किए जाने का जिक्र कर रहे थे। भाजपा के खिलाफ लड़ाई में कथित रूप से विफल होने पर कांग्रेस की आलोचना करने वाली टीएमसी ने बघेल की टिप्पणी को आलाकमान को खुश करने का घटिया प्रयास कहा। टीएमसी ने पलटवार करते हुए ट्वीट किया कि पहली बार मुख्यमंत्री बने व्यक्ति की बड़ी बड़ी बातें, अपनी हैसियत से ऊंची बात करना आपको शोभा नहीं देता श्रीमान भूपेश बघेल। ये आलाकमान को खुश करने का कितना घटिया प्रयास है। वैसे क्या कांग्रेस एक और ट्विटर ट्रेंड के जरिए अमेठी की ऐतिहासिक हार को मिटाने की कोशिश कर रही है। रिपोर्ट News of India.